नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैन सिंह, आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्टो। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए इग्नू के जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग, कि इग्नू स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया, और करेंगे भी तो किन को करेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रूमर फैल रहा है कि इग्नू स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और इग्नू ने ऑफिशियली क्या अनाउंस किया है उस पर भी बात करेंगे, और आपकी डेट शीट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, आपके एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, ये सारी बातें इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी भी जो क्वायरीज है वो रिजॉल्व हो पाएँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू COVID-19। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द COVID-19, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर क्लोज एट प्रेजेंट मीन। व्हाट इज़ द मीन? इट इज़ सिंपली मीन दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन अंटिल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर ओपन अगेन थ्रू आउट द इंडिया, एंड वैन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल बी ओपन अगेन इन इंडिया, यू विल बी कम टू नोटिफाई न्यूज़ एंड मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, आपके स्टडी सेंटर्स हैं, वो सारी बंद हैं इस टाइम पर, और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये सारी बातें प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए लगती हैं कि लाजमी है कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए, बट अभी तक इग्नू ने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि इग्नू स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है इग्नू स्टूडेंट को प्रमोट करने को लेकर। हाँ, DU ने कर दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को कर दिया है, और जो थर्ड ईयर के हैं, जो फाइनल ईयर के, उनके एग्ज़ामिनेशन जुलाई में डेट शीट भी आ सकती है उनकी, तो उसके बिहाफ पे उनके एग्जामिनेशन जुलाई में हो भी सकते हैं, बट इग्नू में अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर होती है कि आपके एग्जामिनेशन खुलते हैं सेंटर वगैरह, तो आपको न्यूज़ के जरिए आप तक वो न्यूज़ मिल जाएगी, तो आप लोग उससे देख सकते हैं, और आपको डेट शीट भी मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू के एग्ज़ामिनेशन को लेकर, और इग्नू के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में वो सारी बातें आपसे करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि इग्नू ने क्या कहा है इसके रिगार्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिज्यूमिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, वेन एवर यूनिवर्सिटी विल फाइनलाइज द डेट शीट एंड ऑफ एग्जामिनेशन, इट विल बी नोटिफाई बाय स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न SED। और गाइस, इसका नोटिफिकेशन आपको इग्नू की वेबसाइट पर www.ignu.ac.in, जो कि मैंने इधर लिख रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस पर जाकर आप जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर कंडीशन जो है COVID-19 की, वो कंडीशन सही हो जाती है इंडिया में 30 जून तक, ठीक है, 30 जून को एक न्यूज़ आती है कि भैया सारी कंडीशन ओके हो गई है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह सब ओपन हो गए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 7 जुलाई यानी कि एक वीक के अंदर आपके एग्ज़ामिनेशन, इग्नू कहते हैं कि अब आपके 7 तारीख से एग्ज़ामिनेशन है, कुछ ऐसा हो सकता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। तो मैं इसके लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि भैया जो आपके एग्ज़ामिनेशन है इग्नू कंडक्ट करेगा, तो उसमें आपको तकरीबन कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम इग्नू अवश्य देगा कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। कि मान लीजिए अगर आपकी सिचुएशन जो अभी कंडीशन चल रही है वो सही हो जाती है 30 जून तक, तो आपके जो एग्ज़ामिनेशन है, अगर इग्नू अनाउंस करता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होंगे, तो वो 10 या 15 यानी कि 10 तारीख के बाद से ही होंगे, जुलाई में 10 या 15 तारीख के बाद से ही आपके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होंगे। विच मीन्स डैट कि आपको 15 दिन का टाइम, 15 डेज का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, पहले से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से ही आपको आज ही नोटिस आया और कल को एग्ज़ामिनेशन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके गाइस, गाइस अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट इग्नू हॉल टिकट। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरेटिंग ऑफ हॉल टिकट फॉर अपेयरिंग एग्जाम इज अनअवॉइडेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। दिस हॉल टिकट्स कंटेन योर कोर्स वाइज डेट सीट फर्स्ट वन, एंड इट टेक्स टाइम टू जनरेट हॉल टिकट एंड अपलोड दैम ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो देयरफॉर गाइस, यू विल नॉट गेट अ सडन सरप्राइज दैट
टुमोरो मॉर्निंग इज़ योर एग्ज़ाम, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो दोस्तों, इन सभी बातों से साफ होता है कि इग्नू में आपके जो एग्ज़ामिनेशन अगर होंगे भी तो आपको पहले से नोटिफाई मिल जाएगा। 15 दिन का एक पीरियड ऑफ टाइम देंगे कि आप लोगों को कि आप प्रिपेयर कर पाएँ कि आपके एग्ज़ामिनेशन स्टेट पर हैं, आप पहुँचने के काबिल हो पाएँ और अपनी एग्ज़ामिनेशन कोई भी प्रिपरेशन है वो कर पाएँ। ठीक है, ऐसा कोई सडन सरप्राइज़ आपको नहीं मिलने वाला इग्नू की तरफ से। ठीक है, और चांसेस ऐसे हैं कि सिचुएशन की बात करें तो यार, सिचुएशन जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक इग्नू में एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे। और सिचुएशन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि सिचुएशन अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं है कि सही होते में आ रही हो। ठीक है, तो जहाँ तक चांसेस हैं, और मैं अगर कहूँ तो कि आप लोगों को शायद प्रमोट कर दिया जाए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को, बट फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो या ऑफलाइन से, बट एग्ज़ामिनेशन उनके कंडक्ट होंगे ही। बट इसमें अगर बात करें तो यार, एक जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए एक नुकसान हो सकता है कि जब आपको प्रमोट किया जाता है तो एक एवरेज मार्क्स देकर किया जाता है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी स्कोर एक अच्छा हो तो शायद आपको निराशा हो सकती है इस बात को लेकर, क्योंकि इग्नू में गाइस आपको रीअपेयर करने का मौका नहीं मिलता अगर आप किसी एक कोर्स को पास कर लेते हो तो। ठीक है, अगर आप फेल कर जाते हो तभी आपको चांसेस मिलता है, बट अगर आप मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए करना चाहते हो तो ऐसा कोई चांसेस नहीं मिलते इग्नू की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इन सब कयासों से दूर रहें, क्योंकि अभी तक इग्नू की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसके रिगार्डिंग कि सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है या फिर किया गया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं प्रोवाइड किया इग्नू ने कि प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी प्रमोटिंग नहीं की गई है। जहाँ तक जितनी भी न्यूज़ आ रही है इसके रिगार्डिंग कि प्रमोट किया गया सभी स्टूडेंट को, वो सारी न्यूज़ फेक हैं। ठीक है, तो उनसे बचिए आप लोग। जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो, उसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट चेक कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। इग्नू का फेसबुक पेज है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा दोनों का ही, आप वहाँ से डेली अपडेट्स चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहिए, जो भी अपडेट्स होंगी आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं हमारे, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए और आपकी जो एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय गाइज़।